लव एक ऐसा शब्द है जो दो दिलों को एक धागे में पिरोने की ताकत रखता है, जो दो अनजाने को जिंदगी भर एक साथ रहने की ताकत देता है। लेकिन क्या हो जब यह शब्द धोखाधड़ी का एक जरिया बन जाए? क्या हो जब लव लव ना रहकर बल्कि धर्म परिवर्तन का एक कारण बन जाए? जब लव लव ना रहकर लव जिहाद बन जाए? स्वागत है आप सभी का ITI न्यूज़ पे, मैं हूं शुभेंद्र और आज हम बात करेंगे। लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आए दिन भारत के कई प्रदेशों में लव जिहाद पर कैबिनेट में चर्चाएं शुरू रहती हैं, लोग सड़कों पर इसका विरोध करते नजर आते हैं और लगातार सरकारों से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हैं। बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया है, जिसमें इस अपराध को रोकने के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार इस कानून के तहत लव जिहाद करने वालों को 5 से 10 साल तक की कठोर सजा मिल सकती है। वहीं इसके अलावा लव जिहाद करने वालों को जेल में गौ सेवा कराया जाएगा, जिससे उन्हें एक बार अपने पापों को प्रायश्चित करने का और सुधरने का मौका मिल सके। इस अध्यादेश के पारित होने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस प्रतिक्रिया को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस कानून के तहत सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर शादी को पूरी तरीके से अवैध माना जाएगा, यानी कि शादी को पूरी तरीके से गैर कानूनी मानते हुए उसे शून्य करार दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने भी लव जिहाद पर कड़े कानून बनाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा हरियाणा में भी लव जिहाद पर नए कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े इस कानून के पारित हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। चारों ओर कहीं इस तरफ इस कानून का कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं इस कानून को समर्थन में मिल रहा है। देखने वाली बात यह है कि सदन में यह कानून पूर्ण बहुमत से पास हो पाता है या नहीं।